नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। कल हमको यहाँ पे दो आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए देखने मिलेगी, तो इस वीडियो के अंदर इन डिटेल के अंदर देखेंगे क्या उसका जीएमपी रहने वाला है, कितना यहाँ पे पर लॉट प्रॉफिट हो सकता है और यहाँ पे लिस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ पे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं दीपक बिल्डर के बारे में। तो उसके आईपीओ के हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यूआईबी के अंदर यहाँ पे 14 टाइम में सब्सक्राइब होते देखने मिला था, 82.47 टाइम में सब्सक्राइब होते देखने मिला, जिसके अंदर से बीएचएनए ने 77 टाइम और एसएचएनए में 91 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिला। रिटेल के अंदर यहां पे 40 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और टोटल आईपीओ को में 41 टाइम सब्सक्राइब होते देखने मिला था। अगर इसके यहां पे बात करें, कल जब यहां पे लिस्टिंग होगी तब आप यहां पे देख सकते हैं 28 अक्टूबर को यहां पे लिस्टिंग रहने वाली है। तो इसका बीएससी का जो स्क्रिप्ट कोड रहने वाला है वो 544276, ये इसका स्क्रिप्ट कोड रहने वाला है। अगर एनएससी का सिंबल देखे कि किस नाम से आपको सर्च करना होगा, तो जब आप यहाँ पे DBEIL लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे दीपक बिल्डर का यहाँ पे नाम देखने मिल जाएगा। ISIN नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसकी जो इश्यू प्राइस थी वो हमें 203 रुपीज़ पर शेयर देखने मिली थी। इसके अलावा यहाँ पे बात करें जीएमपी की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जीएमपी जो फिलहाल में चल रहा है वो 32 रुपीज़ हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 15.76% का फिलहाल में हमें जीएमपी के हिसाब से गेन यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कल यहाँ पे किस रीत की लिस्टिंग रहती है। 260 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज था। अगर यहाँ पर लॉट प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 203 का यहाँ पे इश्यू प्राइस है। उसके सामने अभी जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अभी सोची जा रही है वो 235 है जीएमपी के हिसाब से। यानी कि हम देख सकते हैं प्रॉफिट 235 माइनस 203 करें और 73 का यहाँ पे लॉट साइज रहने वाला है, तो 32 × 73 यानी कि 2,336 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर यहाँ पे सेम जीएमपी पे हमें ओपन होते देखने मिले। तो कल यहाँ पे देखना होगा कल मार्केट के सेंटीमेंट यहाँ पे किस रीत के रहते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी इंपोर्ट हो गया। मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमें लिस्टिंग होते देखने मिलेंगी। फिलहाल में जीएमपी यहाँ पे 32 रुपीज़ पे स्टैंड करता है, तो देखते हैं यहाँ से अगर ज़्यादा लिस्टिंग होती है या फिर यहाँ से हमें कम लिस्टिंग होती देखने मिलेगी। जो भी होगा कल हमको यहाँ पे पता चल जाएगा, तो कल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर इसके अलावा बात करें वारी एनर्जी की, तो वारी एनर्जी को काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला था। क्यूआईबी के अंदर यहाँ पे 215 टाइम में सब्सक्राइब होते देखने मिला था, एनआई के अंदर यहाँ पे 65 टाइम, और रिटेल के अंदर यहाँ पे 11.27 टाइम, और एम्प्लॉय के अंदर भी यहाँ पे 5.5 गुना में सब्सक्राइब होते देखने मिला था। यानी टोटल इश्यूज था वो 80 टाइम्स हमें सब्सक्राइब होते देखने मिला था। तो कल इसकी भी यहाँ पे लिस्टिंग होते देखने मिलेंगी, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो बीएससी स्क्रिप्ट कोड है वो 544277 हम यहाँ पे देख सकते हैं। और एनएससी का अगर सिंबल की बात की जाए यहाँ पे हम देख सकते हैं WAAR EEE NER, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो फिर आपको यहाँ पे वारी एनर्जीज के बारे में आपको देखने मिल जाएगा। आपका जो भी ब्रोकर हो उसके अंदर आप सर्च के अंदर यहाँ पे ये नाम यहाँ पे सर्च करोगे तो फिर आपको वारी एनर्जीज आपको देखने मिल जाएगा। अगर ISIN नंबर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो इसकी इश्यू प्राइस थी वो 1503 रुपीज़ पर शेयर हमें देखने मिली थी। और अगर यहाँ पे जीएमपी की बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1300 रुपये यहाँ पे फिलहाल में हमें जीएमपी देखने मिल रहा है। कल यहाँ पे हमें जीएमपी में काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिली थी, और 1370 रुपये का यहाँ पे जो जीएमपी था वो यहाँ पर सीधा घटकर 1075 हो चुका था, जो यहाँ पर अब वापस से बढ़ चुका है, और वापस से बढ़कर हमें 1300 रुपये का यहाँ पे फिलहाल में जीएमपी देखने मिल रहा है। 71.52% से जीएमपी यहाँ पे जंप होकर 86.49% हो चुका है, 15% का हमें यहाँ पे जीएमपी के अंदर जंप आते हुए देखने मिलता है। तो कल देखते हैं यहाँ पे कल किस रीत की यहाँ पे लिस्टिंग रहती है, कल किस रीत का यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट रहता है, उसके हिसाब से हमें लिस्टिंग के ऊपर यहाँ पे असर देखने मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे डबल का कैंडिडेट बनता है या फिर हमें कम लिस्टिंग देखने मिलेगी। जो भी होगा कल हम आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पर लॉट की अगर बात की जाए तो इश्यू साइज यहाँ पे 1503 रुपीज़ है। उसके सामने जो भी एस्टीमेट लिस्टिंग प्राइस अभी जो सोची जा रही है जीएमपी के हिसाब से वो 2803 रुपीज़ है। यानी अगर बात करें तो 1300 रुपीज़ यहाँ पे 9 शेयर का लॉट साइज रहने वाला है, तो 11700 पर लॉट आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने मिलेगा। अगर यहाँ पे सेम प्राइस पे लिस्ट हुआ तो भी काफ़ी अच्छा गेन देखने मिलेगा, पर देखते हैं हर टाइम के अंदर यहाँ पे कौन सी प्राइस पे लिस्ट होता है। इससे पहले भी प्रीमियर एनर्जी के अंदर भी 100% के आसपास जीएमपी था, और वहाँ पे लिस्टिंग हमें काफ़ी अच्छी देखने मिली थी, बजट मिली थी 100% के जीएमपी के सामने 120% का हमें वहाँ पे लिस्टिंग देखने मिला था। तो यहाँ पे देखते हैं 86% के सामने यहाँ पे कितने परसेंट पे ओपन होता है, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो कल यहाँ पे देखेंगे, जो भी होगा हम कल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।